हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मेंटेनेंस का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और तुम्हारे जूनियर सीनियर है उनको भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री होता क्या देखते हैं। इन्वेंट्री इज़ सॉरी इन्वेंट्री इज़ द स्टॉक इन हैंड एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इट कैन बी फिनिश प्रोडक्ट, सेमी फिनिश प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री एक स्टॉक होता है जो हमारे हाथ में एट अ पर्टिकुलर टाइम हमारे पास होती है। ठीक है ना, अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट हो सकते हैं, सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो सकते हैं, या फिर रॉ मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी टाइप की होती है, चार टाइप की होती है। कौन कौन सी, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, तो देखते हैं पहली परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है। परचेजिंग कॉस्ट इक्वल टू होती है नंबर ऑफ यूनिट परचेज इनटू कॉस्ट ऑफ यूनिट। मतलब अगर हम एक यूनिट का प्राइस 10 रुपीज़ मान लो, तो कितना यूनिट हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट परचेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो एक कॉस्ट ही कितनी, सॉरी एक यूनिट कितनी कॉस्ट होगी, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ कॉस्ट, नंबर ऑफ परचेज में, तो हमारा क्या आ जाएगा, परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, इट इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ब्रिंगिंग इन्वेंट्री विद इन द प्रोडक्शन सिस्टम, एग्जाम्पल इंस्पेक्शन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम इंस्पेक्शन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक, होता क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ सामान मंगाया। ठीक है, अब एक सामान का इसमें प्राइस नहीं होगा, एक ऑर्डर का, उसके अंदर कुछ कितने भी सामान पड़े हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोला, एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना होगा, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वालिटी क्या होती है, फॉर्मूला याद रखना बस, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के अंदर क्या चीज़ें हमसे मतलब नहीं है, मतलब एक ऑर्डर के अंदर 10 भी चीज़ हो सकती है, 50 भी चीज़ हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर कितनी कॉस्ट होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे से। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको क्या इंस्पेक्शन कॉस्ट बोलते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। अब याद रखना, अगर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्या अगर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो जो ऑर्डर कॉस्ट है, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उसको क्या सेटअप कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेटअप कॉस्ट बोलते हैं इन टर्म फॉर क्या, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है, सेटअप कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जो होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, इट इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरिंग इन्वेंट्री आइटम विद इन द प्रोडक्शन सिस्टम। इट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी एंड पीरियड फॉर विच इट स्टोर। मतलब क्या है कि हमारा जो होल्डिंग कॉस्ट है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या जो हमारी क्वांटिटी डिपेंड करेगा, पर ये टाइम पे भी डिपेंड करेगा और यूनिट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब हमने कितनी यूनिट टाइम, मतलब कितनी यूनिट को क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कितनी यूनिट हम आइटम कितने टाइम के लिए रखते हैं, वो क्या होती है, होल्डिंग कॉस्ट वहीं से निकलती है। ठीक है, तो होल्डिंग कॉस्ट का क्या होती है, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम। क्या बोला, कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम, ये क्या होल्डिंग टाइम है। होल्डिंग टाइम को हम क्या कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, सॉरी टाइम बोल गया मैं, होल्डिंग कॉस्ट को क्या कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला आता है फोर्थ वन इज स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है, स्टोरेज कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स स्टोर, क्या नंबर ऑफ यूनिट स्टोर इंटू स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। क्या स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कितने यूनिट स्टोर हो रहा है वो, इनटू स्टोर एक यूनिट की स्टोर करने की कितनी कॉस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्टोरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब देखते हैं इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन क्या होता है देखते हैं। देखो, फर्स्ट वन है क्या है, ट्रांजिट और पाइपलाइनिंग इन्वेंट्री। ये क्या होता है, इन्वेंट्री कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस व्हाइल इन ट्रांसपोर्टेशन। मतलब क्या है, जैसे कि मैंने एक सामान बना लिया, ठीक है, मुझे तुमको बेचना है सामान, तो तुम्हारी दुकान और कहीं है, तो मैं यहाँ से तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट करूँगा किसी सामान को, तो उसके बीच में ऐसा नहीं कि मैं बीच में प्रोडक्ट
आपको डिलीवरी के बीच में ही, मतलब ट्रांसपोर्ट के बीच में ही हम क्या सर्विस प्रोवाइड कराने लगेंगे, प्रोडक्ट में कुछ चेंज करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हाँ तो वही होता है, वही लिखा है इसमें, जो ट्रांजिट और पाइपलाइनिंग इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस वायर इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। पहला समझ में, सेकेंड क्या है, बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, इसको ग्राफ ऊपर कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब ठीक है, तो देखो हाँ, बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं बफर, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया, ये क्या हमारा बफर स्टॉक, ठीक है। बफर स्टॉक क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैप्ड थ्रू द ईयर एंड इट इज हेल्ड फॉर फ्लक्चुएशन इन डिमांड रेट एंड लीड टाइम। फ्लक्चुएशन डिमांड एंड लीड टाइम सेम होता है, ठीक है। ये हमारा फ्लक्चुएशन टाइम या लीड टाइम है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे एसको एस समझो, जैसे हमारे पास एक दुकान है, ठीक है। दुकान में पहले ने पूरा सामान भर लिया यहाँ तक, अब यहाँ से खर्च हमारा सामान बेचते 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 यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब हमारे पास इतना स्टॉक बचा है, इसको बेचने से पहले क्या है, रीऑर्डर कर देंगे। क्या रीऑर्डर कर देंगे, मतलब क्या, जब तक ये सामान रीऑर्डर वाला सामान जब तक आएगा, जब तक ये सामान यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से जब आ जाएगा तो फिर से दुकान भर लेंगे। ऐसे ये खाली फिर रीऑर्डर फिर भर देंगे, फिर खाली फिर रीऑर्डर फिर भर देंगे, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है, रीऑर्डर लेवल है, क्या है रीऑर्डर लेवल है। ये हमारी क्या, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, ये कौन सा है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, याद रखना है, ठीक है। और देखो जो लीड टाइम, लीड टाइम क्या होता है, इट इज़ टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर, जब हम किसी ऑर्डर को प्लेस कर देंगे, मतलब ये टाइम इनटू सॉरी ऑर्डर एंड हैविंग इन्वेंट्री इन हैंड, और जो हमारे हाथ में इन्वेंट्री होगी तो उसके बीच में जो टाइम गैप होता है उसे क्या लीड टाइम कहते हैं, समझ में आया। लीड टाइम क्या होता है, और ये हमारी क्या रीऑर्डर लेवल है, क्या रीऑर्डर लेवल है, इसको ही क्या बफर स्टॉक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो भाई, जो इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम क्या होता है, इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम टू टाइप के होते हैं, कौन सा, क्यू सिस्टम एंड पी सिस्टम। क्यू सिस्टम क्या कहते हैं, फिक्स ऑर्डर सिस्टम बोलते हैं, या फिर रीऑर्डर सिस्टम बोलते हैं, क्या रीऑर्डर सिस्टम ही को ही कोई सिस्टम बोलते हैं। और जो पी सिस्टम होता है उसे क्या बोलते हैं, फिक्स पीरियड सिस्टम बोलते हैं, क्या फिक्स पीरियड सिस्टम बोलते हैं, या पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। मतलब क्या है, इसमें ऑर्डर का साइज कांस्टेंट होता है, इसमें ऑर्डर का टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, इतना याद रखो बस, पूरा ये हो जाएगी तुम्हारी। ये सब देखते हैं क्या होता है क्यू सिस्टम। तो क्यू सिस्टम क्या है, इन इन दिस सिस्टम एज द इन्वेंट्री लेवल रीच टू री ऑर्डर लेवल, अ फ्रेश ऑर्डर इज प्लेस एट दैट पॉइंट फॉर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी क्यू, ठीक है। मतलब क्या है, इन दिस सिस्टम द साइज ऑफ द ऑर्डर इज फिक्स वाइल टाइम ऑफ द ऑर्डर इज वेरिएबल। मतलब क्या है, मैंने मेरा जो सामान है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारे साइज ऑफ द ऑर्डर पे, ठीक है, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब हमको अगर सामान हमारी दुकान है, हमारी दुकान में अगर आज सामान भर लिया, 10 दिन बाद ख़त्म हो गया, सॉरी 10 दिन बाद ख़त्म हो गया, तो 10 दिन बाद ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना। 15 दिन बाद ख़त्म हो रहा है तो 15 दिन बाद ऑर्डर करेंगे, मतलब टाइम फिक्स नहीं है इसमें, ठीक है, ये कह रहा। बट अगर हम ऑर्डर करेंगे, लेकिन जो ऑर्डर का साइज़ है वो सेम होगा, ठीक है। अगर मेरा अभी पूरा सामान ख़त्म हो गया, तो फिर से जितना था मेरा उतना ही तो मंगाएंगे, ठीक है। फिर ख़त्म हो गया तो फिर उतना ही मंगाएंगे, तो यही होता है, ठीक है। क्यू सिस्टम में क्या होता है, साइज सेम होता है, टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं पी सिस्टम, पी सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज डिवाइस आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड अ फ्रेश ऑर्डर इज प्लेस एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है, इन दिस सिस्टम द साइज ऑफ ऑर्डर इज वेरिएबल एंड टाइम ऑफ ऑर्डर इज फिक्स। मतलब क्या है, इसमें साइज वेरी करेगा, टाइम वेरी नहीं करेगा। जैसे दो फिगर पे रखे, मजा आ जाएगा देखते ही, देखो सब समझ आ जाएगा फिगर में। देखो ये हमारा क्या क्यू सिस्टम है, ये हमारा पी सिस्टम है। इसमें क्या, हमारा जो साइज ऑफ द ऑर्डर है सेम रहता है, बट टाइम ख़त्म होता है। जैसे हमने अभी ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर कर दिया, अब ख़त्म होते 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 इतने दिन तक चला, ठीक है, तब यहीं पे ऑर्डर करेंगे हम, फिर भर लिया सामान, फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। बट पी सिस्टम में क्या होता है कि हमने एक ऑर्डर कर दिया, ठीक है, फिर ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड सेम रहता है, अब यहाँ पर ऑर्डर करेंगे, मतलब हमने देखा कि यहाँ पर जल्दी ख़त्म हो गया,
तो ज़्यादा मंगा लिए हम, इतना मंगा लिए, अब ये चला इतना, ठीक है अब यहाँ तक चला तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर तो हमारा जो वहाँ टाइम पीरियड सेम है तो हम ऑर्डर हम पे ही करना होगा, लेकिन क्या थोड़ा कम करेंगे ऑर्डर, पहले यहाँ पे था थोड़ा कम ऑर्डर करेंगे लेकिन इससे ज़्यादा इससे कम करेंगे। तो कहाँ यहाँ तक पहुँचा दिए ऑर्डर का साइज, फिर कदम पर करते यहाँ पे हो गया, फिर चेंज कर दिया, फिर ऑर्डर कर दिया, फिर ऑर्डर कर दिया, ऐसे ही चेंज होता रहेगा, समझ में आ गया क्या? इसमें क्या साइज ऑर्डर का साइज सेम है, टाइम कांस्टेंट नहीं है, इसमें साइज वेरी कर रहा है और टाइम कांस्टेंट है इसमें, ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक, हाँ देखो गाइस, अब देखते हैं इन्वेंट्री मॉडल, क्या बोला, अब देखते हैं इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, डिटरमिस्टिक मॉडल, दूसरा होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। क्या, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो पहले देखते हैं डिटरमिस्टिक मॉडल क्या होता है। इन दिस मॉडल डिमांड रेट एंड लीड टाइम रिमेन कॉन्स्टेंट। जो हम डिमांड रेट होता है और जो लीड टाइम होता है, दोनों क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। कैसे, डिटरमिस्टिक मॉडल में क्या बोला मैंने, लीड टाइम और डिमांड रेट दोनों क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। देन दिस सॉरी देन देयर इज नो नीड टू कीप सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। याद है डिटरमिनिस्टिक मॉडल में सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, जो डिटरमिनिस्टिक मॉडल है इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है, डिटरमिनिस्टिक मॉडल में क्या, जो हमारी डिमांड रेट और लीड टाइम क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, इसको याद रखना। और सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक की कोई जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड टू कीप सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक, याद रखना, ठीक है। अब आता है प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होता है। इन दिस मॉडल डिमांड रेट एंड लीड टाइम आर फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल, देन वी नीड टू कैरी सेफ्टी और बफर स्टॉक, ठीक है। इस जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है इसमें क्या होता है, जो जो डिमांड रेट है, क्या जो डिमांड रेट और लीड टाइम है वो वेरी करते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला होता है तो ऑर्डर करना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट ख़त्म होने की जो टाइम है वो सेम रहे, ठीक है। मैंने आज मंगाया, नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा आ गया जल्दी ख़त्म हो जाएगा, नंबर ऑफ़ कस्टमर कम आए तो थोड़ा लेट ख़त्म होगा। तो क्या डिमांड रेट और जो उसकी लीड टाइम है दोनों क्या फ्लक्चुएट करते रहते हैं या वेरी करते रहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, इसमें ज़रूरत होती है किसकी, सेफ्टी एंड बफर स्टॉक, सेफ्टी या बफर स्टॉक की ज़रूरत होती है किसमें, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में, और ज़रूरत नहीं होती किसमें, डिटरमिनिस्टिक मॉडल में, ठीक है। अब देखते हैं तो गाइस स्टार्ट करते हैं ईओक्यू मॉडल। ईओक्यू मॉडल क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। क्या बोला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, ईओक्यू मॉडल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हैरिस विल्सन मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैरिस विल्सन मॉडल, इसी को बोलते हैं, याद रखना। इसमें इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, याद रखना, हर एक बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। तो डी क्या है, डी क्या एनुअल डिमांड, क्या है कैपिटल डी, क्या है एनुअल डिमांड है या यूनिट पर ईयर, याद रखना। जो कैपिटल डी क्या है, एनुअल डिमांड है। जो क्यू है, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू क्या है, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर एट ईच रीऑर्डर पॉइंट, मतलब जैसे जैसे रीऑर्डर करना होगा, ठीक है। तो उस रीऑर्डर पॉइंट पर जितनी क्वांटिटी को हम ऑर्डर करते हैं उसी के से कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट पर ऑर्डर, क्या है यूनिट पर ऑर्डर। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, मतलब एक साल में कितने ऑर्डर करेंगे उसी के से क्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या होता है, डिमांड अपॉन क्यू, क्या डिमांड अपॉन क्यू, कितनी डिमांड है, ठीक है, अपॉन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं, इन्हें डिवाइड कर दें, क्या जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, क्या इसकी जो यूनिट क्या है, ऑर्डर पर ईयर, ठीक है। याद रखना, अगर डी दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो एन निकाल लो आराम से, ठीक है, ओके। अब टी, टी क्या होता है, टी होता है लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल और टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव ऑर्डर। क्या टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर, मतलब दो अगर सक्सेसिव ऑर्डर हम करते हैं, दो ऑर्डर करते हैं, दो ऑर्डर के बीच में जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ से यहाँ देख लो, ठीक है, हमारा दुकान में सामान पूरा भरा होता, ठीक है, इसको खाली होने में इतना टाइम लगेगा, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर दो सक्सेसिव रीऑर्डर टाइम, क्या है? एक ये रीऑर्डर लेवल है, ठीक है, एक रीऑर्डर लेवल है, मतलब क्या, हम पहला ऑर्डर यहाँ किया है, दूसरा ऑर्डर यहाँ कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है, ओके। जो रीऑर्डर लेवल है, ठीक है, इसी को क्या लीड टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल डी है, ये है क्या, स्मॉल डी, जो इसकी स्लोप है क्या है, स्मॉल डी है। स्मॉल डी क्या होता है, डिमांड पर डे, याद रखना है, स्मॉल डी क्या होता है, डिमांड पर डे, आगे लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, इन्वेंट्री ये टाइम, इन्वेंट्री वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है, ठीक है। और ये क्या है, कैपिटल क्यू क्या होता है, ये कैपिटल क्यू है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, क्या है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, ये क्या है लीड टाइम है, ये रीऑर्डर लेवल है, ये कैपिटल टाइम टी है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके सी याद रखना, जो सी सी क्या है कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, क्या परचेजिंग कॉस्ट को सी कहते हैं, ठीक है। एक यूनिट की जो परचेजिंग कॉस्ट होती है उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और एक ऑर्डर की जो परचेजिंग कॉस्ट होती है, क्या बोला, जो एक ऑर्डर की कॉस्ट होती है उसे क्या सी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसे बोल क्या बोलते हैं ऑर्डर कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्डर कॉस्ट। जो उसकी यूनिट होती है क्या होती है, रेट पर ऑर्डर, एक ऊपर वाली क्या थी रेट पर यूनिट, ठीक है। अब सी एच, ये एच लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा होगा तो बता दूँगी क्या सी एच, सी एच क्या होती है होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट, ठीक है। क्या बोला मैंने, होल्डिंग कॉस्ट क्या सी एच, इसकी यूनिट क्या है पर रेट पर यूनिट पर ईयर, ठीक है ना। ओके अब डी, डी क्या है मैंने ऊपर बताया था, ये डी क्या है, ये स्मॉल डी लिखा हुआ है, तो डी क्या है डिमांड रेट पर डे, डिमांड रेट पर डे याद रखना, कॉन्स्टेंट अगर याद होंगे तो क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके तो देखो जो डिमांड पर रे है, ठीक है, ये क्या स्लोप होती है, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, क्यू अपॉन कैपिटल टी, क्या क्यू अपॉन कैपिटल टी करेंगे तो क्या डी आ जाएगा, ठीक है, या फिर रीऑर्डर लेवल, ये ठीक है रीऑर्डर लेवल अपॉन लीड टाइम, क्या रीऑर्डर लेवल अपॉन लीड टाइम से भी हम स्मॉल डी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके तो स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन टी, या फिर रीऑर्डर लेवल अपॉन लीड टाइम, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे ऐसे करके, तो क्यू अपॉन टी इक्वल क्या होगा रीऑर्डर लेवल अपॉन लीड टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। ओके अब देखते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट, क्या बोला टोटल एनुअल कॉस्ट, ठीक है। टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होती है, एनुअल परचेजिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो देखो टोटल एनुअल कॉस्ट क्या, टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होती है, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो देखो जो वो परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है, डी इंटू सी, डी क्या है डिमांड इंटू एक यूनिट की कॉस्ट, सी केवल सी, तो क्या हो जाएगा डी इंटू सी, ठीक है। अब सी नॉट, ठीक है, अब एनुअल सॉरी एनुअल ऑर्डर कॉस्ट क्या होती है, एन इंटू सी नॉट, सी नॉट क्या हमारा एक ऑर्डर की कॉस्ट इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, तो एन इंटू सी नॉट। प्लस होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, सी एच, सी एच क्या होल्डिंग कॉस्ट है, और हमारा क्यू अपॉन टू, क्या क्यू अपॉन टू क्या क्वान्टिटी, एवरेज क्वान्टिटी है, ठीक है। एवरेज क्वान्टिटी कैसे, जीरो और क्यू के बीच का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा क्यू अपॉन टू आएगा, ठीक है। तो एवरेज क्वांटिटी कितनी, क्यू अपॉन टू इंटू सी एच, ये हमारी क्या जो होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी, एन की इनपुट करके, एन क्या होती है डिमांड अपॉन क्वालिटी क्वांटिटी, डिमांड अपॉन क्वांटिटी क्या होती है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, आ जाते हैं वैल्यू पुट करोगे तो हमारे ये हो जाएगा क्या टोटल एनुअल कॉस्ट, याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, किसके बीच में कॉस्ट वर्सेस क्वांटिटी, कॉस्ट वर्सेस क्वांटिटी के बीच में ग्राफ है, ठीक है। इसमें दो कर्व होते हैं, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, इन दोनों में जो एडिशन होता है वो क्या होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, याद रखना जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होता है वो होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है सी इंटू डी, सी इंटू डी होती है ना, परचेजिंग कॉस्ट पीछे पढ़ा चुके हैं, तो परचेजिंग कॉस्ट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगी, क्या हो जाएगा टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जो मैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर इसमें डी सी, डी सी क्या परचेजिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या एनुअल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है पीछे पढ़ा चुके इतनी होती है, और होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है इतनी होती है। अगर हमको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू, क्या ये तो है मिनिमम वैल्यू, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू ये है, अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वान्टिटी, तो क्यू के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करे हुए तो ये आएगा, ठीक है। अब इस पूरे कितना जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो इस पूरे की जब जीरो के बराबर पुट करोगे तो यहाँ से क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट ऑफ टू डी सी नॉट अपॉन सी एच, क्या सी नॉट अपॉन सी एच, याद रखना जो अगर इसमें शॉर्टेस्ट कॉस्ट ऐड नहीं हो रही है, क्या शॉर्टेस्ट कॉस्ट ऐड नहीं हो रही है तो क्यू और क्यू स्टार, क्यू स्टार क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या इकोनॉमिक ऑर्डर
क्वांटिटी वो सेम होती है, ठीक है ना। अगर शॉर्टेस्ट कॉस्ट ऐड कर देना, क्या सेट शॉर्टेस्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सी अपॉन सॉरी डी अपॉन क्यू इंटू सी नॉट, होल्डिंग कॉस्ट क्यू माइनस एस का होल स्क्वायर अपॉन टू क्यू इंटू सी एच, और शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन टू क्यू इंटू सी बी, ठीक है। सी बी क्या है, ब्लॉक ऑर्डर कॉस्ट या फिर शॉर्टेज कॉस्ट, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और जो हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगा रूट ऑफ टू डी सी नॉट अपॉन सी एच इन टू सी बी प्लस सी एच अपॉन सी बी, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो यहीं से देंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की जो मिनिमम वैल्यू होती है कितनी होती है, रूट ऑफ टू डी सी नॉट सी एच, सी नॉट सी एच याद रखना, ठीक है। और इकोनॉमिक बेसिस पे देखें, ठीक है, जिस शॉर्टेस्ट कॉस्ट ऐड हो जाएगी, जब शॉर्टेस्ट कॉस्ट ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, टू डी सी एच, हाँ टू डी सी नॉट सी एच इंटू सी बी सी एच अपॉन सी बी, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर अ प्रोडक्शन सिस्टम एनुअल डिमांड इज 18,000 यूनिट, क्या 18,000 यूनिट है एनुअल डिमांड हमारी, ठीक है। हमारी सी नॉट, सी नॉट क्या है, हमारी परचेजिंग कॉस्ट, एक यूनिट की परचेजिंग कॉस्ट कितनी है 120 दे रही है। सी एच होल्डिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, 12% दे रखा है हमारा होल्डिंग कॉस्ट, फॉर यूनिट परचेज प्राइस, फॉर यूनिट परचेज प्राइस का 12%, इसका 12% क्या है हमारा, हमारी होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है। क्या बोला मैंने, परचेजिंग कॉस्ट, एक यूनिट की परचेजिंग कॉस्ट का 12% क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना सीखो, ठीक है। ओके, लिखा है कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कितना दे रखा है, एक यूनिट की परचेज कितना 12, क्या कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एक यूनिट कितना दे रखा है 4 रुपीज़ दे रहा है। लीड टाइम कितना दे रखा है 10 डे, क्या लीड टाइम कितना दे रखा है 10 डे दे रखा है। नंबर ऑफ वर्किंग डे इन अ ईयर कितना 360, 360 एक साल में सिर्फ 360 ही दिन काम होता है, ठीक है। डिटरमाइन फर्स्ट क्या निकालना, ई ओ क्यू, ई ओ क्यू क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ई ओ क्यू निकालना है, सेकेंड वन निकालना है ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, थर्ड वन निकालना है लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल कैपिटल टी निकालना है, ठीक है। और टी आई सी की मिनिमम वैल्यू निकालना है, सबके फॉर्मूले याद है तो आराम से आ जाएगा। आर ओ एल, ठीक है, आर ओ एल क्या है, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। सिक्स नंबर क्या है, अमाउंट ऑफ सेविंग विथ ई ओ क्यू अगेंस्ट अर्लियर प्रैक्टिस फॉर ऑफ फोर ऑर्डर पर ईयर, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, एक बार फिर खुद से ट्राई करो फिर देखो। तो देखो हम क्या गिवन है, हमको गिवन है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी रखी 120 रुपीज़ दे रखी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। और डिमांड दे रखा है हमको कितना 18,000, और लीड टाइम दे रखी है 8-10 डेज, और हमको एक यूनिट कॉस्ट दे रखी है 4 रुपीज़, ठीक है। और हमको बता रखा है कि होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 12% पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का 12% क्या है हमारी होल्डिंग कॉस्ट है। तो होल्डिंग कॉस्ट जब इसका 12% निकालोगे 4 का कितना आएगा 0.48 आएगा, क्या 0.48 आएगा। और तो क्या दे रखा था हमको, इसमें लिखा नहीं है क्या एक ईयर में कितने दिन काम होता है, तो एक ईयर में कितने दिन काम हो रहा है, सिर्फ 300 डेज ही वर्किंग डे है हमारे, क्या एक ईयर में कितने 300 डेज क्या दे रखे हैं वर्किंग डे, याद रखना है इसको, ठीक है। ओके, तो हमको निकालना क्या है ई ओ क्यू, ठीक है। तो पहले हमें ई ओ क्यू निकालना, तो ई ओ क्यू का फॉर्मूला होता है क्या होता है क्यू स्टार, ठीक है। ई ओ क्यू का फुल फॉर्म याद रखो क्या होता है, ई ओ क्यू क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो रूट ऑफ टू डी सी नॉट अपॉन सी एच, ठीक है। तो टू डी की वैल्यू 18,000, सी नॉट कितना 120, और सी एच होल्डिंग टाइम कितना रखा है निकाला अभी 0.48, ठीक है। तो जब सॉल्व करो कितना 3,000 आ जाएंगे हमारे ई ओ क्यू, ठीक है। अब क्या निकालना, ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्या, सेकेंड नंबर क्या निकालना था, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, एक ईयर में कितने ऑप्टिमम नंबर ऑर्डर हो रहे हैं, ठीक है। तो एन स्टार, एन स्टार क्या होता है डी अपॉन क्यू, तो डी अपॉन क्यू, डी इतना दे रखा है एन क्यू इतना दे रहा है, तो कितना हमारा एन आ जाएगा, इतना 6 आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम, ठीक है, अब देखना है 6 में, थर्ड में क्या निकालना था, लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल कैपिटी निकालना, ठीक है, एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टी, टी तो टी निकालने के लिए पहले देखो हमको एक साल में कितना कितने दिन वर्क हो रहा है, तो एक साल में कितने दिन वर्क हो रहा है, सिर्फ 300 डेज, ठीक है। 300 डेज के हमारे वर्किंग डेज हैं, ठीक है। तो 300 इंटू डी अपॉन क्यू स्टार जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 50 डेज आएगा, क्या आएगा 50 डेज हमारा क्या आ जाएगा, वन
इन्वेंट्री साइकिल कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट थर्ड में निकालना था, मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो इसका फुल फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 2D सी नॉट अप सी नॉट सी एच, ठीक है। जब सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1440 क्या आ जाएगा हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ में क्या निकालना था, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। याद रखना जो स्मॉल डी है वो क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था ना, ऊपर बताया था मैंने क्या होता है, रीऑर्डर लेवल, हाँ क्या, क्यू अपॉन टी इक्वल टू रीऑर्डर लेवल अपॉन लीड टाइम, ये तो था स्मॉल डी। तो इसे रीऑर्डर लेवल निकालोगे तो क्या आएगा, क्यू अपॉन टी इंटू यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा, लीड टाइम, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल हमारा ये फॉर्मूला क्या है, ये बन जाएगा। तो इसको सब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 600 आएगा, ठीक है। लास्ट वन सिक्स, सिक्स में क्या निकालना था हमको, अमाउंट ऑफ सेविंग विथ ईओ की अगेंस्ट अर्लियर प्रैक्टिस फॉर ऑफ फोर ऑर्डर पर ईयर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन क्या, सेविंग निकालना मतलब क्या, डिफरेंस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में कितना डिफरेंट आ रहा है, ठीक, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। तो क्या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जितना निकालेंगे उसमें मिनिमम वाला घटा देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी, ठीक है। तो सेविंग आ जाएगी कितना हमको सेव कर रहा है, तो हाँ तो पहले क्यू निकालो, क्यू छोड़ क्या होता है डी अपॉन एन, तो डी अपॉन एन निकालो कितना आएगा, 4500 क्या, 4500 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था, नहीं बताया था देखो, ये है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला, याद रख लेना, ठीक है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये नहीं, ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी दे रखी थी, डी अपॉन क्यू इंटू सी नॉट प्लस डी नॉट अपॉन टू सी एच, ठीक है। सारी वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे कितना आ जाएगा, 1560 मतलब 1560 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है उसमें से मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। सेविंग कितना है, 120 रुपीज़ क्या आ जाएगा, सेविंग आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी लास्ट टॉपिक है NDT, ठीक है। NDT का जो फुल फॉर्म है क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, क्या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT, ठीक है। टाइप ऑफ NDT कितने टाइप की NDT होती है, बस इतना पढ़ लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, तो एक बार माइंड में डाल लेना। तो NDT कितने टाइप की NDT होती है, पहला कौन सा सॉरी एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग, सेकेंड वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग या लेजर टेस्टिंग, ठीक है। जो हमारे अगली है कौन सी है, लीक डिटेक्शन टेस्टिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग, ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल क्या मैग्नेटिक पार्टिकल और रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, ठीक है, थर्मोग्राफिक या फिर इंफ्रारेड टेस्टिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। AD करंट टेस्टिंग, माइक्रोवेव या फिर एक्सरे या वेरिएशन एनालिसिस और विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। अभी इसके बारे में इतना देख लो, इससे ज़्यादा आया नहीं है, ठीक है। अभी जो ES का 2021 का अगर सिलेबस आया उसमें अगर ये होगा तो ये सारे बता दूंगा, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन आया नहीं है, तो मैंने ये रफली बता दिया, ठीक है ना।